हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेकर के। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दो भारतीय महिला अंपायर को ICC डेवलपमेंट अंपायर पैनल में शामिल कर लिया गया है। एक का नाम है वृंदरा राठी और ये रही वृंदरा राठी। दूसरे का नाम है जननी नारायणन और ये रही जननी नारायणन। तो इस तरह ICC के महिला अंपायरों की संख्या बढ़कर के 12 हो चुकी है। वही यदि हम बात करें कि ICC डेवलपमेंट अंपायर पैनल की, तो इसके लिए हमें ICC के वेबसाइट पर चलना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सीधा आ चुके हैं ICC के वेबसाइट पर और ICC डेवलपमेंट अंपायर के इंटरनेशनल पैनल पर हम हैं। यहाँ पर नाम की लिस्ट दिया गया है और यहाँ पर कंट्री का लिस्ट दिया गया है। तो जैसे ही हम सीधे नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये रही एन जननी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हैं एन जननी, जिनका नाम इस पैनल में जुड़ा हुआ है। इनके साथ साथ हैं वृंदरा राठी और ये रही वृंदरा राठी। और यह वह पैनल है जो कि अंपायर के लिए ट्रेंड करता है यह पैनल। अब हम कुछ और भी ज़रूरी बातें करना चाहेंगे। यहाँ पर बात करेंगे ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो है क्रिकेट का वैश्विक शाही निकाय है जिसका मोटो है क्रिकेट फॉर गोल्ड। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई UAE में। यहाँ पर बात करेंगे ICC के वर्तमान में चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर और ये रहे शशांक मनोहर। और ICC के इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर कौन है, तो इंदिरा नुई और ये रहे इंदिरा नुई। CEO कौन है, तो मनु साहनी और ये रहे मनु साहनी। वही एक और भी हम इम्पोर्टेंट बातें करना चाहेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि मेन्स ODI के लिए पहली महिला रेफरी कौन बनी थी हाल ही दिसंबर 2019 में, तो GS लक्ष्मी और ये रही GS लक्ष्मी। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।